हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एलेक्स नाग ब्लॉग में। तो गाइस, मैं आ चुका था आज काम पे। तो मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब कपड़ा किस तरह से बनता है, जो उसका जो ताना वाना है कैसा बनता है, क्या कैसा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब किस तरह से चढ़ाया जाता है ताना, उसके बाद फिर कपड़ा किस टाइप से बनता है। तो आज मतलब ना आज पूरा ना देखेंगे उसके बारे में। तो क्योंकि आज अपन लोग वैसे भी ऑलरेडी मतलब ना ताना चढ़ा रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मतलब ना शेयर किया जाए। क्योंकि मतलब ना बहुत से ना कम लोगों को पता रहता है कि मतलब कपड़ा कैसा बनता होगा हाथों से। तो गाइज आज अपन लोग उसके बारे में देखेंगे। तो गाइज वीडियो पर बने रहे, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगा वो सब चीज़ के बारे में। इसको बोलते हैं गाइज ताना मशीन, ये ताना मशीन। और जो कि मैं आप लोग सो गाइज ये जो मशीन है इसमें टोटल दोनों साइड 96 ना धागा लगता है, जो कि देख सकते हो इधर एक एक धागा से ऐसे होके ये सब चीज़ से क्रॉस होके इधर से आके ना इधर आता है पूरा। और इसको बोलते हैं गाइज कंघी। ये बड़ा कंघी और ये छोटा कंघी, जो कि ना इन दोनों के बीच से गुजरते हुए इधर से आता है। तो मतलब यार यहाँ चढ़ाना पड़ता है इस टाइप से पट्टा। टोटल फिलहाल तो अपन लोग पहले चढ़ा चुके थे अपन लोग इसको कल। तो आज मैं सोचा इसका क्यों ना ब्लॉग बना के दिखाऊं मैं आप लोगों को। और गाइज ये जो है घंटी और ये जो ना स्प्रिंग, मतलब एक जो गोल में है इसमें मतलब 5 मीटर है। अपन लोगों को कम से कम ना मतलब ना इसमें ना 200 मीटर का बनाना है। तो मतलब यहाँ पूरा ना टोटल गिन चुके हैं ऐसे करके और बांध चुके हैं, यहाँ तक टोटल 200 मीटर है। और इसके बाद जो चढ़ेगा अपन लोगों का, जो अभी तो फिलहाल इसमें ना डिज़ाइन दिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज अभी हमारा बॉर्डर के लिए यानी जो साइड में जो डिज़ाइन रहता है ना पट्टी, उस टाइप का अपन लोग डिज़ाइन बना चुके हैं इस तरह से। अभी चढ़ने के बाद और बनने के बाद कुछ अलग ही दिखता है। और ये वाला ताना हमारा बन रहा है गमछा के लिए, जो कि गमछा का यूज़ किया जाता है ना गर्मी वर्मी में, सियान लोग जो भी है उन लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अभी ताना चढ़ा रहे हैं। तो चल सो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले इसका जोग उठाना पड़ता है। ये वाला जोक आपको बाद में पता चलेगा, यहाँ तो मतलब समझ में नहीं आएगा। इसको पहले मतलब इस तरह से पहले जोग उठाना पड़ता है, जो कि ऐसा राड से यूँ दबा के इसका ये जोग उठा के यहाँ थोड़ा धागा वागा डालने का रहता है इस तरह से। और इसके बाद यूँ थोड़ा चलने दें जोग, इसको बोलते हैं गाइस जोग पाइप, जो कि मेन काम ना ये वाला करता है। इसके बिना मतलब जोक के बिना कुछ नहीं है, दो जगह जोक डालना पड़ता है। एक सबसे पहले ने नीचे से दबा के डालना है, फिर उन्हें सेकंड बार में ऊपर से इस तरह से उठेगा जोक। इसको थोड़ा मिलाएंगे अपन लोग, ये बराबर सेंटर लेके इस तरह से। सो गाइस हमारा धागा टूट गया भाई। सो गाइस अभी हमारा चढ़ाते चढ़ाते एक धागा टूट गया, और धागा टूटने से ये जो गैप का निशान है ना ऐसे पता चल जाता है। बट यहाँ धागा ना एक घर में दो गया है लग रहा है यहाँ पे। तो पहले इसको पहले जोड़ लेते हैं गाइस, फटाफट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से। सो गाइस यहाँ से अब मेरा दोस्त वो घुमा रहा है कुछ इस तरह से, राउंडिंग कुछ इस तरह से। अभी हमारा पूरा जो है ये जो गमछा का ताना पूरा चढ़ा चुके हैं अपन लोग, पूरा ओके हो गया। अब इसको उतारेंगे हम दो जन मिलके। और इसमें पूरा टोटल जो धागा चढ़ा है गाइस, इसमें पूरा टोटल 2000, जो गमछा का जो ताना जो बनता है इसमें पूरा टोटल 2000 धागा चढ़ा है। और इधर अभी तो अपन फिलहाल इसको अभी खोलेंगे, इसको खोलने के बाद जो होगा ना इसका जो बीम है ना दूसरा लगाएंगे,
जो इससे थोड़ा छोटा आएगा वहाँ से खोलेंगे। तो गाइस वीडियो पे बने रहे, यहाँ खोला खाली चल रहा है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइस, खून पसीना एक करना पड़ता है इसके लिए। ये दोनों साइड खोलना पड़ेगा। सो गाइस अभी अपन लोग ये वाला बीम खाली कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो ताना उतारने के लिए ये वाला बीम लगेगा, जो गमछा का बीम है थोड़ा, मतलब वो ना छोटा साइज का रहता है। आज आप लोगों को हम लोग पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से बीम उतारना, चढ़ाना, धागा जोड़ना हर चीज़ का। तो आगे तक वीडियो में बने रहना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के स्टेप से क्या होता है क्या नहीं। आज हर प्रकार का चीज़ दिखाएंगे हम लोग। यहाँ का बीम अभी खाली कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद उतारेंगे ताना, जो कि पहले यहाँ गमछा लगा था, मैं ही खाली किया हूँ इसको पूरा चला चला के। और यहाँ मेरा दोस्त शिव काट रहा है, पूरा खाली कर रहा है। अभी हम लोग वो बीम को खोल के लाए हैं, और यहाँ कुछ इस तरह से नापा धोखा जो भी है, गणित का काम है ये पूरा, इस तरह से नाप के सेंटर में फिर इसको मिलाने का रहता है। मेरा दोस्त शिव नाप रहा है इसको, कितना इंच में आ रहा है कितना इंच में, ये देख रहा है इस तरह से नाप के इसको, जो ये वाला जो लोहा है, ये जो राड है, इसको फिर उसी हिसाब से सेटिंग करने का रहता है। कितना आ रहा है? 17.5। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से, फिर उसका जो जितना भी आएगा फिर उसका आधा हिस्सा लेके इस तरह से नापने का रहता है। और ये वाला जो मशीन दिख रहा है, ये जैकार्ड का मशीन है। यहाँ बहुत पहले साड़ी बनता था, अभी इसका डिजाइन वाला खराब हो गया ना, इसलिए नहीं बन रहा है। देख सकते हो कितना कितना खतरनाक बारीकी से बना गया है गाइस, पूरा धागा ही धागा पूरा इस तरह से है, पूरा खतरनाक। तो गाइस बने रहे वीडियो पे, अपन लोग पहले नाप झोंक लेते हैं, फिर नाप आपके फिर देखते हैं इसके बाद, फिर ये जो इसको नापे तो इसको फिर बीम को भी नापने का रहता है, इसलिए पूरा ये सब चीज करके अभी नापेंगे अपन लोग दोनों। सो गाइस अभी इसका नट वट खोल रहे हैं अपन लोग। सो गाइस इसको उतारने से पहले ये जो पट्टा है, यानी इसको भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ताकि उतारते समय जो है अच्छे से उतरता है। इसको पूरा टाइट करके कसना है गाइस दोनों साइड, तब जाके उतरेगा, वरना ये जो है ना बहुत ज़्यादा ढीलापन हो जाएगा तो उतरने में मज़ा नहीं आता, इसलिए इसको पूरा टाइट करते हैं। हम लोग इसको फिट शीट करके अब बांधना स्टार्ट किए थे, और बांध के हो गया रेडी, अब कुछ ही देर में ये उतरेगा। तो गाइस बने रहना, क्योंकि इसके बाद कैसा उतारना, किस स्टेप से उतरेगा पूरा दिखेगा आप लोगों को। सो गाइस अपना ताना उतर चुका है करीबन, इसमें एक घंटा कुछ लग गया, बहुत ज़्यादा हालत खराब, अब पसीना भी निकल रहा है, बहुत ही तगड़म वाला। सो गाइस फाइनली हमारा ताना बन चुका है, यानी हो गया उतर के, हो गया कंप्लीट पूरा, और इतना ज़्यादा हालत खराब, पूरा पसीना गनी मत, दो दो पंखा चला है, और प्यास भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइज अब इसके बाद बर्न करेंगे, तो गाइज तब तक के लिए बने रहे, तो दिखाएंगे उसके बाद बर्न की स्टेप्स किया जाता है, कैसे बरना है कैसे नहीं हर चीज़। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। अभी अपना ताना मशीन यानी जो बीम को ये ला चुके हैं। अब यहाँ फिटिंग विटिंग करेंगे। जो उतना समय जो जोक दिए थे ना, इसमें दो पाइप घुसेगा इस तरह से। और ये हमारा कंगीलों को पूरा चेंज करके पूरा फिटिंग करके रखे हैं कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं भाई बे, ये कंगी, ये सिले, इसको बोलते हैं सिले। कुछ इस तरह से रखे हैं, फिर भरण सरण होगा। अपन लोग पूरा फिट करके हो गया है रेडी। यह मेरा पीछे बैठने के लिए बनाया हूँ, मस्त राजा महाराजा की तरह बैठो और काम करो। और गाइस ये पत्ती, इसको बोलते हैं पत्ती, और ये भरनी, जो कि ये दोनों के बिना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो चीज बहुत जरूरी है। सो हे गाइस, अभी शाम के बज रहे 6:30। अब काम छुट्टी करने का भी टाइम हो गया, और फिलहाल आज तो उतना ज़्यादा बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट लगता है बनाने में। तो देख ही सकते हो, बस इतना सबर आया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मार खाता है, बहुत बारीकी काम है, इसीलिए उतना बनाया नहीं। कंघी में भी अगर देखा जाए बस इतना ही बनाया। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक एक धागा देना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ये थाना में 2000 धागा है, करीबन 2000 धागा को एक एक कर कर के भरते रहना है, तब जाके ये तो लग रहा है कल ही कंप्लीट होगा। सो गाइस आज का ब्लॉग यही तक रखता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।